हेलो गाइस, मैं गुरु भारती। आज हम अपना इंडियन फ्लैग बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ये बनाया है और हम चलते हैं यहाँ पे अब एक नया इंडियन फ्लैग बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ आएंगे स्टार्ट मेनू में, उसके बाद आप पेंट ओपन कर लीजिएगा। और पेंट ओपन करने के बाद यहाँ जो दे रहा है सेप्स में, यहाँ सेप्स के द्वारा ही बनाया जाएगा है। यहाँ लाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लाइन वाले को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक लाइन नीचे की तरह ड्रॉ कर देंगे। ठीक, सजा दीजिएगा। और हम ऐसा ऊपर ले जा रहे हैं तो टेढ़ हो जा रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट के साथ ऊपर ले जाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लेते हैं यहाँ पे कर्व, कर्व लेने के बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ खींचेंगे तो ये भी सीधा होगा। उसके बाद इसे फ्लैग की तरह बनाना है ना, तो एक ऊपर क्लिक करेंगे, एक नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक, और ऐसा बनाएंगे तो अधिक समय लगेगा। तो यहाँ सेलेक्ट पर आएंगे, माउस से इसे खींच कर सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पे तो ऐसा देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है लाइन, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट के नीचे आएंगे। सेलेक्ट के नीचे आने के बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ले जाएंगे तो नहीं ऐसा आएगा लाइन दिखे। फिर क्या करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किए थे तो पेस्ट कर देंगे, यहाँ कंट्रोल बी से पेस्ट ऐसे करके सजा देते हैं। और फिर कर्व से आएंगे, यहाँ पे ऐसे नीचे की तरह जैसा लाइन खींच देंगे ताकि जब पेंट कलर करें तो ये कलर बाहर ना जाए। ठीक, और यहाँ पे अब सर्कल लेकर यहाँ से आप जो इसमें तिली होता है ना, 24 तिलियाँ, उसको यहाँ पे नीचे बीच में बना लेंगे। और यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करके यहाँ पे चाहते हैं उसका जो तो पिक्सल है ना, तो लाइन की आकृति को कम करें थे यहाँ पे ताकि कम जगह एडजस्ट हो। यहाँ पे ऐसे करके आप 24 तिलियाँ बना लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक होता है रस्सी जिसे हम झंडा तुलन करते हैं, तो यहाँ पे एक रस्सी की तरह नीचे बना लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, फिर से यहाँ पे इसका साइज जो है ना बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 5 रहने देते हैं और यहाँ से नीचे की तरह ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, देखिए यहाँ पे हो गया। अब क्या लेते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लेने के इसके जो सीढ़ी जैसा होता है ना सीढ़ी, वो यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि हम हमारे झंडा में 3 ही कलर है, 10 तो 3 ही कलर के लिए सीढ़ी बना लेते हैं। उसके बाद इसको अब कलर करते हैं। कलर करने के लिए यहाँ फील वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर सेलेक्ट करके यहाँ बीच बीच में इसके दोनों लाइन के बीच में ही क्लिक करेंगे, तब कलर होगा, फिर यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा। अब हम चाहते हैं इधर रस्सी के बीच में, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जो सीढ़ी है वहाँ पे भी उसको कलर कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बीचों बीच ही अगर लाइन पर करेंगे तो लाइन वाले जो लाइन खींचा है ना वही कलर हो जाएगा, तो उसको लाइन जो कलर तक करना नहीं है, तो हमको जहाँ दोनों लाइन के बीच में उजाला दिखा रहे हैं वहीं।
यह हमारा इंडिया का झंडा तैयार हुआ है। अब हम चाहते हैं कि अपने इंडिया के लिए यहाँ पे लिखे, तो आई लव माई इंडिया। ओके दोस्तों, अब इसे चाहते हैं ये थोड़ा बोल्ड कर दे, तो यहाँ से कंट्रोल बी से शॉर्ट फॉर्म में या बोल्ड दबाइएगा तो यहाँ से बोल्ड हो जाएगा। ठीक, यहाँ इटालिक हो जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा इटालिक यहाँ हो गया। और अंडरलाइन है, कंट्रोलिंग से अंडरलाइन होगा, उसके नीचे जो है ना एक अंडरलाइन जैसा जैसा खींच जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।